इस लड़के को आइसक्रीम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन इसके माता पिता से रोज आइसक्रीम खिलाते हैं। अगर वो नहीं खाता तो उसे मारते पीटते हैं। इसलिए बच्चा चुपके से आइसक्रीम को टॉयलेट में फ्लैश कर देता है। तभी कुछ अजीब होता है और आइसक्रीम जिंदा हो जाती है और टॉयलेट में से निकलने लगती है, जिसे देखकर लड़का बहुत डर जाता है। फिर वो टॉयलेट का ढक्कन लगाकर आइसक्रीम को फ्लैश कर देता है। लेकिन ये तो बुरे सपने की शुरुआत है, क्योंकि लोग इस आइसक्रीम के लिए पागल हो रहे होते हैं। बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसके टेस्ट को पसंद करते हैं। कुछ परिवार तो दिन के तीनों टाइम आइसक्रीम खाते हैं। एक बार जब वो आइसक्रीम खा लेते हैं तो वो आइसक्रीम के गुलाम बन जाते हैं। अपने घर में इतनी सारी आइसक्रीम देखकर लड़के को महसूस होता है कि आइसक्रीम में कुछ अजीब बात है। इसलिए वो अपने पेरेंट्स के सामने आइसक्रीम ना खाकर शेविंग क्रीम को खाने लगता है। लेकिन ये देखकर उसके पिता को उस पर शक होने लगता है। इसलिए वो उससे क्रीम को ले लेते हैं और अपने आप चक कर देखने लगते हैं और उसकी चोरी पकड़ी जाती है, जिसके बाद लड़का डर कर अपने घर से भाग जाता है। लेकिन उसका परिवार भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। तभी एक आदमी गाड़ी लेकर आ जाता है और बच्चे को बचा लेता है। लड़का जब अपने परिवार को इस तरह पागल देखता है तो वो सुपरमार्केट चला जाता है और वहाँ पर रखी सारी आइसक्रीम को फेंकने लगता है। तभी एक पुलिस वाला वहाँ पर आ जाता है। उसे भी लगने लगता है कि आइसक्रीम में कुछ काला है।